हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टडीज। आज के हम वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में देखेंगे। ये मेरी फोर्थ वीडियो है अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला टर्म है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दो टर्म क्या हैं, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। यहाँ पे ट्रेड का मतलब क्या हुआ? बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। ट्रेड का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था बिजनेस। रिसीवेबल का मतलब पैसा आना है, पेबल का मतलब पैसा जाना है। रिसीवेबल का मतलब पैसा आना है, पेबल का मतलब पैसा जाना है। तो बिजनेस के रिलेशन में किसी किसी से पैसे लेने हैं आपको तो ट्रेड रिसीवेबल है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को आपको पैसे देने हैं तो ट्रेड पेबल है। इसमें दो चीज आती है, एक होता है डेटर्स और एक है यहाँ पे डेटर का ऑपोजिट क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब उधार, तो क्रेडिटर। डेटर का मतलब डेट, सामने वाले का डेट मेरे लिए, तो उसको डेटर बोलते हैं। अभी मैं आपको डीपली समझाता हूँ। सेकंड पॉइंट है बिल रिसीवेबल और यहाँ पे है बिल पेबल। बस पेबल रिसीवेबल में ही है। तो ट्रेड रिसीवेबल दो चीज आती है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में दो चीज आती है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। डेटर्स का मतलब क्या होता है? मान लो आपने जो सेल किया मोबाइल का, मैं एक एग्जांपल को लेकर चल रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। आपने मोबाइल का सेल किया तो जो कस्टमर आया आपके पास, उसने कहा भाई पैसे आज नहीं दे सकता, मैं 10 दिन बाद दूंगा या 1 महीने बाद दूंगा। तो आपने उधार में माल बेचा, तो जो क्रेडिट में आपने सेल किया, उधार में जो सेल किया आपने इस बंदे को, क्रेडिट में जो आपने सेल किया, तो इससे तो पैसे लेने हैं। तो ये जो कस्टमर है हमारा, वो क्या बन जाएगा? डेटर। तो डेटर का मतलब क्या हुआ? मनी रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, तो आपका डेटर है। अगर मान लो सेम उसी कस्टमर ने आपको एक पर्ची पे या फिर एक कागज पे या फिर कोई बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दिया कि मेरे को उस कस्टमर को आपको पैसे देने हैं, तो कोई भी पेपर पे लिख के दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीव का मतलब क्या होता है? कोई डॉक्यूमेंट गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर फॉर द सेल्स, और मेरे एग्जांपल में क्या हुआ? मोबाइल परचेस्ड। कस्टमर के लिए तो परचेज है ना। अगर आप कस्टमर हो तो आपने परचेस किया है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, आप दुकान चला रहे हो मोबाइल की, तो आपने सेल किया। तो इसी को ऑपोजिट अगर चले तो क्रेडिटर। तो सेम अगर जो आप मोबाइल बनाने के लिए, आप मैन्युफैक्चरर कम सेलर हो, तो आप मोबाइल बनाने के लिए आपने जो मदरबोर्ड लिया होगा या फिर कोई भी रॉ मटेरियल ली होगी, तो मान लो आप पैसे देके नहीं लेते हो, आप उधार में लेते हो, तो क्रेडिट में मैं परचेस कर रहा हूँ, तो जिस बंदे से मैं परचेस कर रहा हूँ वो मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। मींस पैसे देने हैं, मनी पेबल टू सप्लायर फॉर परचेज मेड, तो मेरा कौन है? क्रेडिटर। मनी पेबल टू सप्लायर, वो मेरा कौन है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर किस कैटेगरी में आता है? ट्रेड पेबल। ठीक है, सिमिलरली बिल पेबल, अगर आप बिल लिख के दे देते हो क्रेडिट उस बंदे को, तो आपका क्या होगा? वो बिल पेबल होगा, उस बिल को आपको पे करना पड़ेगा। जो ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, तो किस कैटेगरी में आता है? ट्रेड पेबल आपको देना है, देने का मतलब उधार, उधार का मतलब मैंने क्या बताया था? लायबिलिटी। तो ये चीज आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल, आपको पैसे लेने हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मोबाइल बेच के आपको बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट मिला तो कोई भी चीज़ बेनिफिट देती है वो एसेट। पैसे देने हैं
तो लायबिलिटी पैसे लेने हैं, तो एसेट, तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। तो ये था आपका ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लीव करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो पे मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।